अस्सलाम वालेकुम फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी विथ यट अनदर रेसिपी। सो आज की रेसिपी है हमारी स्ट्रीट स्टाइल पास्ता। जी हाँ, मुंबई का स्ट्रीट स्टाइल पास्ता। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए रेसिपी में यूज़ होने वाले इन्ग्रीडियंट्स और करते हैं शुरू हमारी आज की डिलीशियस स्ट्रीट मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पास्ता। जी हाँ, स्ट्रीट स्टाइल पास्ता। तो यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें ले लिया है मैंने पानी, 3 ग्लास पानी लिया है मैंने। गैस मेरा इस वक्त हाई फ्लेम पर है और इस पानी के अंदर नमक और तेल डालेंगे और उसके अंदर हम छोड़ेंगे हमारी मैकरोनी। यहाँ पे 180 ग्राम्स मैकरोनी लिया है मैंने, 180 ग्राम्स यानी एक फुल पैकेट लिया है मैकरोनी का मैंने। और ये गया है मेरा नमक और ये थोड़ा सा तेल। नमक इसलिए ताकि ये थोड़ा सा जो है जब पकेगा पास्ता, जब उबलेगा तो ये थोड़ा नमक ऑब्जर्व कर लेगा, तो नमक अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। और ऑयल इसलिए ताकि ये जो है स्टिक ना हो जाए, ये सेपरेट रहें। और इसी के साथ हम इसे चलाते रहेंगे, इसमें चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो जी हाँ आपके पास्ता जो है बॉटम पे जाके स्टिक हो जाएगा। ये मैं अभी कैमरा एडजस्ट कर रही थी। इसे कंटिन्यूसली आप स्टर करते रहिए, पकाते रहिए। और ये हो चुका है, थोड़ा बाकी है। जब तक ये होता है तब तक हम आगे का जो कंटिन्यू करना है हम वो करते हैं, मेन इसके सारी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसको रख लिया है मैंने दूसरे गैस पे और यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। और यहाँ मैंने ले लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच तेल और ये देखिए ये हो गया रेडी। अब जब आप इसे दूसरी तरफ रखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि चम्मच नहीं चलाना है, उसमें चम्मच चलाते रहना था आपको। तो वो पास्ता उबल के हो गया है रेडी, ये तेल भी हो गया गर्म। तो मैंने यहाँ डाल ली है इसमें प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई प्याज है ये, छोटी वाली यानी मीडियम साइज़। जी हाँ, बारीक काट लिया है मैंने प्याज को और इसे हम पकाएंगे अच्छी तरीके से जब तक कि ये पिंक कलर की ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट पिंक कलर। तो चम्मच चलाते रहिए, हाथ आपके रुकने नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये लगभग 4 से 5 मिनट बाद जो है इसका कलर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें कांदे को, ये बिल्कुल सही कलर है इसका। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और हक्का नूडल्स मसाला। और ये गए मेरे मिक्स हर्ब्स, ये ओरिगैनो। और अभी यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच के बराबर चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रीट स्टाइल है तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। और मुंबई की ख़ास बात यही है भैया, मसाले। मुंबई वाले बिना मसाले के नहीं रह सकते। और यहाँ पे मैंने ले लिया है स्वाद के अनुसार नमक और उसी के साथ यहाँ मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून शेजवान चटनी। ये रेडीमेड मिल जाती है मार्केट में, इसे बनाने की अगर आपको टाइम नहीं है तो आप रेडीमेड वाली ले लें। अब हल्का सा हमने मसाले को रोस्ट किया है, उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें पानी। मसाले को हम थोड़ा पका लेंगे पानी डाल के ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। वो हालांकि रोस्ट करने में थोड़ा तो निकल ही गया, बस अभी पानी डाल के हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से पानी के साथ इसे मिक्स कर दीजिए और ये देखिए ये सिमर होने लगा है, यानी इसमें बॉयल आने लगी है। थोड़ा सा ये जब बॉयल हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इसमें हमारे बॉईल किए हुए पास्ता डालेंगे। जी हाँ, बॉईल किए हुए पास्ता। देखिए बार बार वीडियो आपको चीख चीख कर कह रही है कि जल्दी से जाइए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारी पास्ता की जो सॉस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है पास्ता डालने की। जब पास्ता को उबाल के निकाला था मैंने, इसे स्ट्रेन किया था और मैंने थोड़ा पानी से इसे धो लिया था ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। तो यहाँ मैंने डाल लिया है इसमें पास्ता
और इसे कर लेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स। अब जब पास्ता डाल लिया है हमने तो मिक्स कर लेंगे, और इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप जो है चीज़ डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइस डाल लीजिए या कुछ भी, लेकिन मैंने नहीं डाला है, अवॉइड किया है मैंने कुछ रीजंस की वजह से, अभी वो मैं रिवील नहीं करूँगी, वो सीक्रेट है। तो एनीवे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे चीज़ डाल सकते हैं, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस डाल दीजिए या क्यूब डाल दीजिए, इसकी गर्माहट से पिकल कर वो और भी अच्छा और टेम्प्टिंग बन जाएगा। तो इसे मिक्स करते रहिए, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके चम्मच चला के पका लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब कुछ देर के लिए इसे हम ढक के रख देंगे, जी हाँ। और देखिए ये 5 मिनट इसे ढककर मैंने पकाया है, तो जो पानी है वो सारा सूख गया है और मसाला अच्छी तरीके से कोट हो गया है। और यहाँ हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। जब रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और इसकी प्लेटिंग होती है ना, उसके बाद वाला जो मेन आता है पॉइंट खाने का, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी जाइए मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, मेरी रेसिपीज़ कैसे लगी अगर आपने ट्राई की है, और अगर नहीं किया तो जल्दी जाइए और ट्राई कीजिए। किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर भी फॉलो कीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इन्ग्रीडियंट्स की सारी डिटेल्स भी नीचे दी हुई हैं। तो जाइए और जल्दी से बनाइए, खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहे और खुशियाँ बांटें।